ओके, तो अभी हम लोग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कि लंग्स में हमारी डिफ्यूजन होती है, और डिफ्यूजन के बाद कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और डिफ्यूजन कितने प्रेशर्स वगैरह के सबके साथ. तो हमें पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है 97%. मतलब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और वो क्या बनाता है फिर कंपाउंड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. लाइक ऑक्सीजन लग गई इसीलिए हमने बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दूसरा डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है, ये होता है 3%. ऑलराइट, अब इनकी डिफ्यूजन होती कैसे है, ठीक है, क्या होता है. ये हमारे पास एल्वेलाई हमने बनाया, ठीक है. एल्वेलाई में ऊपर से एयर जो आ रही है वो कितने, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, वो होता है 104 mmHg, ठीक है. अब ये एल्वेलाई बनाया, ये आई हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ से हमारे पास जा रही है पल्मोनरी वेन, ठीक है. अब यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का. यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, यहाँ यहाँ पे इट्स 40 mmHg, ठीक है. अब यहाँ पे डिफ्यूजन है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 बन जाता है, 100 mmHg, ठीक है. 100 mmHg हो गया ये डिफ्यूजन होने के बाद, ऑलमोस्ट एल्वेलर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन, ये जो हमारा लंग है, ठीक है, लंग्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपना काम करने के लिए. ये लोग तो ऑक्सीजनेट कर रहे हैं ब्लड, तो इसको कौन सी आर्टरी प्रोवाइड करती है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी. और ये लोग वापस कैसे देते हैं अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्होंने काम कर लिया, ले ली ऑक्सीजन इन्होंने, तो ये कैसे देंगे, ब्रोंकियल वेन के थ्रू. अब ये जो ब्रोंकियल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है ना, वो ये पल्मोनरी वेन में एंटर हो जाती है. किसमें, पल्मोनरी वेन में. इसीलिए ये जो 100 mmHg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो निकलता है लंग से, वो इतना रहता नहीं है, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 95 mmHg, ठीक है. 95 mmHg हो जाता है, मतलब कम हो जाता है. दिस इज नोन एज वीनस एडमिक्स्ड, वीनस एडमिक्स्ड हो गया. ब्रोंकियल वेन ने उसको जो हमारा ऑक्सीजन प्रेशर था वो कम कर दिया, ठीक है. अब ये जो है ये जाएगा हमारे, यहाँ पे है हमारे टिश्यूज. अब अगर हम रेस्टिंग मसल लें तो उसका होता है 25 to 40, मतलब 40 मान लो mmHg रेस्टिंग का, कम ही होता है मतलब प्रेशर, मतलब इतना हो जाता है. और जब एक्सरसाइज करता है तो और कम हो जाता है, ठीक है, 25 तक चले जाता है. अब तो अभी रेस्टिंग में 40 हमने ले लिया, तो अब 95 आ रहा था, यहाँ पे 45 है. फिर हुई डिफ्यूजन और ये ऑक्सीजनेट हो गया. उसके बाद यहाँ पे जो वीनस ब्लड जाएगा वो उसमें कितनी प्रेशर होगी ऑक्सीजन का, उसमें होगा 40, जो हमने यहाँ पे किया था कि 40 है, और फिर यहाँ पे 104 है, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है. 40 यहाँ से निकल के डीऑक्सीजनेट हो, ऑक्सीजन टिश्यूज़ ने डीऑक्सीजनेट कर लिया, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम डिस्कस करते हैं, वो हो गया 40, ठीक है, mmHg. और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वीनस साइड पर होती है 45, और आर्टेरियल साइड पर होती है 40. तो मतलब 40 से आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुआ ये 45 बन गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गई और 45 mmHg का प्रेशर आ गया. और हमें पता है कि ये जो प्रेशर्स आते हैं ना हमारे पास, वो आते हैं डिसॉल्व फॉर्म की बदौलत, ठीक है. जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं ना गैसेस के, वो हीमोग्लोबिन वगैरह के थ्रू नहीं होते, वो डिसॉल्व जितनी होती है उसके थ्रू होता है, ठीक है. तो मतलब अगर हम बोलें कि सारी गैस जो है वो सारी की सारी हीमोग्लोबिन के अंदर चलेगी और डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर उसका डिवेलप ही नहीं होगा, कम ही रहेगा, ठीक है. तो अब डिसॉल्व फॉर्म में यहाँ पे कितना 3% कितना हो रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 0.29 मिलीलीटर, ठीक है, आउट ऑफ 100 ml, ठीक है, ऑफ वाटर इन ब्लड, ये कह सकते हैं. तो या फिर हम 0.3 भी बोल देते हैं, 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है. ये होती है आर्टेरियल साइड, ठीक है, जो हमने यहाँ पे 100 mmHg, ये 95 mmHg जो प्रेशर किया है, ये आर्टेरियल साइड है, वहाँ पे होती है 0.3 ml डिजॉल्व. उसके बाद उसने टिश्यू को दे देनी है. उसके बाद वीना साइड में कितनी बचती है, वीना साइड पे बचेगी 0.12 ml, ठीक है. 0.3 थी आर्टेरियल साइड पे डिजॉल्व फॉर्म और 0.12 ये, और इसने दे कितनी दी है, फिर 0.17 ml इतनी उसने दे दी. अब अगर हीमोग्लोबिन का कंसिडर करें, 97% जो है वो कितनी सारी दे देता है,
अब जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के में ऑक्सीजन बाइंड होती है। जो हीमोग्लोबिन है 100% सैचुरेट, 100% सैचुरेट मतलब उसकी सारी की सारी जो पॉकेट्स है ना वो फिल हो जाए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, हमेशा एक पॉकेट कम बनाती हूँ जो भी नहीं, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन क्या होता है 100% की जगह ना वो थोड़ा सा कम होता है, उसको हम 97 मान लेते हैं, 97% सैचुरेशन होती है। क्यों? एक तो पहले हमने बताया कि एक तो ब्रोंकियल वेन्स की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अगर और दूसरा जो है कि वो जो हीमोग्लोबिन है वो प्योर नहीं होता, उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज़ लाइक मिथ हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि इसको रिड्यूस कर ही देती हैं। तो हम एवरेज जो है 97% लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब हमें पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। 100 ml में 15 ग्राम प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। अगर हम लोग 100% लेते ना तो यहाँ पे 1.39 होता, इसलिए कई बुक्स में 1.39 ब्रैकेट में लिखा होगा। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज़ 1.34 ml। तो 100 ml में कितना करेगा, 100 ग्राम में 15 ग्राम है, तो 15 × 1.34 दैट इज़ 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हो गया, समझ आया ना। 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, एक ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो 100 ml में 15 ग्राम है, तो 15 × 1.34 इज 20.1 ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 1.34 हम लेते हैं क्योंकि मिथेमोग्लोबिन जैसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, हमने पढ़ा। और मिथेमोग्लोबिन क्या था, मिथेमोग्लोबिन कुछ नहीं था, हीमोग्लोबिन ही था। जिस हीमोग्लोबिन में हमें पता है कि फेरस फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन जो मिथेमोग्लोबिन होता है ना उसके अंदर फेरस की जगह फेरिक फॉर्म है, ठीक है। मतलब जो ये वाली फॉर्म है वो चेंज है, बाकी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये कर लिया, ये किया, ठीक है। अब ये जो 20.1 आया ना वो नहीं होती टोटल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, वो इससे कम होती है 19.6 ml। क्यों? क्योंकि ये तब हो, ये जो कंडीशन है ये होती है 100% सैचुरेशन पे। लेकिन फिर अब 19.6 सिचुएशन है जब 97% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। और ये क्यों होती, ये एडमिक्स की वजह से। तो फिर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो कैरी करते हैं वो है 19.6 ml, और हमने डिजॉल्व फॉर्म में कितनी कैरी की है, 0.3 ml। 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है हीमोग्लोबिन ने कैरी किया था, वो आ रहा था ये आर्टेरियल साइड से, वो इस आर्टेरियल साइड से आया और ये वीनस साइड है, आर्टेरियल साइड से इतना आया, फिर वीनस साइड पे इतना रह गया 14.4 ml। तो मतलब टिश्यूज़ को हमने कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की, 5 ml, और उसमें कितनी डिजॉल्व फॉर्म में कितनी की थी, 0.17, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि 19.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, ठीक है, और टिश्यू को देता है 5 ml और 14.4। अब ये 97% सैचुरेशन थी हीमोग्लोबिन की जब वो आर्टेरियल साइड में था। टिश्यू में क्या होता है, 5 ml वो दे देता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो टिश्यू को मिल रही है, वो हम कैसे करते हैं। 5 ml हमने इसको दिया, 5 बाय टोटल कितनी थी हमारी, 19.4, जैसे हम 20 ले लेंगे, इंटू 100, तो इसका मतलब है कि 25% जो है वो टिश्यूज़ को मिल रही है। अगर हम इसे अब हम कैलकुलेशंस के लिए 100 ले लेते हैं तो ये बचा 75, तो मतलब कि वीनस साइड में 75% जो है वो रिटर्न कर रही है, मतलब 75% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, सही है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के वक्त ये जो 14.4 जो प्रेशर होता है डिजॉल्व फॉर्म में, जो प्रेशर होता है वीनस साइड में, वो कितना रह जाता है, वो रह जाता है 40, ठीक है, वो 40 रह जाता है, आता 95 से रहता 40 हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो फिर ये जो प्रेशर है ये बहुत कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 mmHg का रह जाता है, ठीक है, वीनस प्रेशर यहाँ पे। तो इतने कम प्रेशर पे जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है वो बाउंड नहीं रहती, वो डिलीवर कर देती है ऑक्सीजन टिश्यू को काफ़ी सारी। तो मतलब जैसे हमने बोला कि 19.4 ऑक्सीजन आई हीमोग्लोबिन वाली, ठीक है, और यहाँ पे टिश्यूज थे, तो गई कितनी,
गई हमारे पास 4.4 ml, ठीक है 19 पॉइंट, तो मतलब 15 ml इसे मिल गई। पहले कितनी मिल रही थी, पहले 5 ml मिल रही थी, अब इसे 15 ml मिल रही है। किसमें? एक्सरसाइज में। पहले क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया डिसॉल्व फॉर्म का, और ये जो है हीमोग्लोबिन से इसको 15 ml मिल गई।